डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। जब चीन से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचाना शुरू किया, तब इससे हर एक इंसान होने वाले नुकसान से डरा। हर एक देश ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए जीतोड़ कोशिशें शुरू कर दी, फिर भी बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने जान गंवाई। फिर दुनिया के विभिन्न संस्थाओं ने गौर किया कि इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन ही सर्वोत्तम उपाय है। जहां एक तरफ देशों ने अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन के निर्माण की भी कोशिशें जारी रखी गई। अब परिणाम सबके सामने है। भारत समेत कई देशों ने मानव जाति की रक्षा के लिए वैक्सीन का निर्माण कर लिया और अब इसी दिशा में भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है। विश्व व्यापार संगठन की ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काउंसिल की पिछले दो दिनों से चल रही बैठक में भारत को पहली कामयाबी मिल गई। बैठक में वैक्सीन की बौद्धिक संपदा अधिकार में छूट देने पर रजामंदी बनती दिखी और सभी सदस्य बिना किसी विरोध के अगली वार्ता के लिए राजी हो गए। यूरोपियन यूनियन समेत किसी भी देश ने इस मामले में भारत के प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर नहीं किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ट्रिप्स काउंसिल की बैठक में भारत के इस वार्ता को जुलाई के अंत तक रखने का सुझाव दिया। काउंसिल की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि WTO की जनरल काउंसिल की 21 जुलाई को होने वाली बैठक से पहले इस मामले पर अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। बता दें कि भारतीय प्रस्ताव के पक्ष में फैसला होने पर वैक्सीन का उत्पादन दुनिया के किसी भी देश में हो सकेगा, जिससे सभी देश को कम कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। भारत के इस प्रयास में दक्षिण अफ्रीका शुरू से साथ रहा है। वहीं कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी इस प्रस्ताव को समर्थन देने की घोषणा की। वहीं यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत को समर्थन नहीं मिल रहा था, जिसके बाद पीएम मोदी ने खुद मोर्चा अपने हाथ में संभाला था। वहीं इसके बाद ट्रिप्स काउंसिल की बैठक में EU ने भी भारत के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। यहां तक कि चीन जैसा देश भी इस तरह के प्रस्ताव पर साथ आने की बात कह चुका है। वैक्सीन से जुड़ा जो प्रस्ताव भारत ने दिया है, उसके मुताबिक वैक्सीन का वैश्विक स्तर पर उत्पादन शुरू करने के लिए कंपनियों को अपना ट्रेड सीक्रेट भी साझा करना होगा। वैक्सीन के कच्चे माल, गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक मंजूरी जैसे तमाम चीजों के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनी को हामी भरनी होगी। भारत की दलील है कि सिर्फ वैक्सीन उत्पादन के पेटेंट पर छूट देने से बात नहीं बनेगी, कच्चे माल, गुणवत्ता नियंत्रण जैसे कई मसलों पर छूट देनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।